नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योगी आदित्यनाथ के राह पर चलते हुए बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने ये बताया है कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर ही उत्तराखंड के मदरसों का भी सर्वे कराया जाएगा और बिना रजिस्ट्रेशन वाले तालीमगाह बंद हो जाएंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों को लेकर चिंता भी जताई है और कहा है कि मदरसों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं, इसीलिए अब इन पर कड़ी नजर रखते हुए सर्वे कराया जाएगा। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 13 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। सीएम धामी ने उत्तराखंड में मदरसों की गतिविधियों और काम को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इन सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और इसके लिए सभी मदरसों की जाँच कराई जाएगी। मदरसों का सर्वे जरूरी हो गया है और इसके लिए जाँच प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सीएम धामी ने ये बयान तब दिया जब एक दिन पहले ही यानी कि 12 सितंबर को राज्य के नए वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शम्स ने कहा था कि राज्य सरकार को भी उत्तर प्रदेश के तर्ज पर ही मदरसों का सर्वे करवाना चाहिए। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शम्स ने कहा था कि यूपी सरकार से सीख लेते हुए हम उत्तराखंड में चल रहे मदरसों का एक सर्वे करवाएंगे। इसमें वो मदरसे शामिल होंगे जो UMB यानी कि वक्फ बोर्ड से संबद्ध है, वो भी शामिल होंगे जो दोनों सरकारी संस्थाओं में से किसी के साथ रजिस्टर नहीं है। किसी गैर पंजीकृत मदरसे को उत्तराखंड में काम करने नहीं दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने सीएम से भी बात कर ली है, सर्वे के लिए उन्हें जल्द ही एक औपचारिक प्रस्ताव भेजा जाएगा। राज्य की मस्जिदों और मदरसों में सुरक्षा कैमरे लगाए जाएंगे ताकि यदि कोई अवैध गतिविधियां होती हैं तो उन पर रोक लग सके। वहीं इस मुद्दे पर बात करते हुए सीएम धामी ने भी एक्शन लेने की बात कही है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। देखिए, बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेके तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो पाए। अब आपको बता दें कि 31 अगस्त को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया था कि राज्य के सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा और उनकी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी, जिसके बाद हंगामा मच गया था। ओवैसी ने भी इस पर बयान दिया था और छोटा NRC बताकर इसका विरोध भी किया था। तो वहीं असम में भी ऐसे मदरसों पर एक्शन लिया जा रहा है जो अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।